वन प्लस नॉट टू। हाँ गाइज, आप लोग अभी जानते हैं कि वन प्लस की तरफ से वन प्लस का नॉट टू टी जो है वो आने वाला है, और यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी स्मार्टफोन के बारे में, क्योंकि इस फोन का लॉन्च तो कंफर्म हो गया है, बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके प्राइस के बारे में कि क्या प्राइस होने वाला है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, चलिए वो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपने नहीं किया। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज यहाँ पर वन प्लस अपना जो नॉट टू टी है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, 27 तारीख को इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है, और मेरे हिसाब से तो बढ़िया है कि भाई जून ही के मंथ में आ गया, वरना हमें तो लग रहा तो जुलाई ना हो जाए, बट अच्छी बात है वन प्लस ने अपना यहाँ पर जो वादा है वो निभा दिया और जून के मंथ में ही इसको लॉन्च कर दिया, मतलब करने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं अब इस फ़ोन के बारे में। तो जैसे मैंने बताया आपको 27 जून को ये आ रहा है, बट उससे पहले हम स्पेसिफिकेशन में आएंगे, देन आपको प्राइस बताएंगे। चलिए बिल्ड डिज़ाइन में आ जाते हैं। तो वन प्लस का टिपिकल डिज़ाइन ही आपको यहाँ पर देखने मिलता है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करी गई है, तो दिखने में तो ये फ़ोन बहुत ज़्यादा प्रीमियम मिलता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं डिस्प्ले में बात कर लेता हूँ, तो डिस्प्ले में आपको जो इस बार 6.5 इंच की या तो 6.43 इंच की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको एक फ्लूट एमोलेड पैनल मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको जो साइड पंचोल मिल जाने वाली है, प्लस 90 रिफ्रेशिंग रेट दी गई है। तो डिस्प्ले क्वालिटी मुझे थोड़ी सी मतलब सही नहीं लगा, मतलब 120 रिफ्रेशिंग दे सकते थे पर पता नहीं क्यों नहीं दिया है, तो डिस्प्ले मेरे हिसाब से अच्छा है। चिपसेट में आ जाते हैं, डायमेंसिटी का 1300 वाला आपको चिपसेट मिल जाता है, तगड़ा चिपसेट है, गेमर्स के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अगर गेमर हो, हैवी टास्क करते हो, मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कैमराज में अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो मेन कैमरा यहाँ पे आपको मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का, देन अल्ट्रा वाइड और एक माइक्रो लेंस है, तो डेप्थ सेंसर मिल जाएगा, 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, OIS का सपोर्ट भी मिल जाएगा। सेल्फी में आपको यहाँ पर जो वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, 16 पिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी, वहाँ से 1080 में वीडियो बना पाओगे। तो ऑन डिपार्टमेंट अगर आप देखो, ऑन पेपर्स तो कैमराज बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, बट लेट्स सी क्वालिटी कैसी होती है। वैसे वन प्लस की कैमरा क्वालिटी अच्छी होती है। अगर हम बैटरी में आ जाते हैं गाइज, तो यहाँ पर जो बैटरी वो आप लोगों को मिल जाती है बहुत ज़्यादा बढ़िया, यहाँ पर 4500 mAh की बैटरी प्लस टाइप सी 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। देखिए बैटरी मुझे थोड़ी सी कम लगी, अगर इसको इंक्रीज कर सकते थे 4700-800 कर देते ठीक रहता, बट क्या है कि यहाँ पर आपको 80 वोट की फास्ट चार्जिंग दे दी गई है, उससे मैं खुश हूँ, एंड वो आप कह सकते हैं कवर अप कर दे रहा है बैटरी को, तो मेरे हिसाब से वो मुझे बढ़िया बात लगी। अगर मैं UI की बात कर लेता हूँ, तो एंड्रॉयड आपको 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, एंड ये आप लोग यहाँ पर OxygenOS के साथ रन करेगा, टेंशन मत लेना, ColorOS चाइना में गया, इंडिया में OxygenOS के साथ ही आने वाला है। ये पूरा यहाँ पे वन प्लस की तरफ से वन प्लस का नॉट टू टी, एंड डेफिनेटली मुझे फ़ोन बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा, तगड़ा लगा, अच्छा लगा। अब मैं फाइनली जैसे मैं बताया आप लोगों को, भाई 27 तारीख को तो ये आ ही रहा है इंडिया के अंदर, बट क्या प्राइस होगी, क्योंकि इस फ़ोन की प्राइस जो है, तो क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पर जो वन प्लस ने इस फ़ोन की जो प्राइस रखी है ना, वो बहुत ज़्यादा, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब यहाँ पे इस फ़ोन की जो प्राइस लीक कल कल के आई है, वो अराउंड आई है 29,990 रुपीज़ या तो 28,990 रुपीज़, मतलब 29,000 या 30,000 के बजट में जाएगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या है ना, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर इसमें आपको ऑफर मिलेगा 4,000 का कार्ड का, 3,000 का, 4,000, ये मतलब ये भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा, और मुझे लग रहा है झूठ भी हो सकता है। वैसे देखिए ऑफर्स मिलते हैं मैं मानता हूँ, बट 3-4 हज़ार का पहली सेल में तो ये थोड़ा मुश्किल है, बट मगर देखा जाए तो हो भी सकता है कुछ भी, बट मुझे लगता है अगर अराउंड 29,000 में लॉन्च होगा और 1-2 हज़ार का आपको कार्ड ऑफर मिल सकता है। तो कमेंट करके बताओ लेने वालों नहीं लेने वालों, मेरे हिसाब से तो बढ़िया फ़ोन हो जाएगा अगर आप लोगों को ये अराउंड 26-25 हज़ार में देखने मिल जाता है तो, बट अगर 28-29 हज़ार रुपये होता है तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, तो कमेंट कर बता देना लेने वालों नहीं लेने वालों। मेरे हिसाब से फ़ोन तगड़ा है, अच्छा है, एंड वन प्लस अपना यहाँ पे बढ़िया काम कर रहा है। अब नथिंग ब्रांड भी आ रहा है, तो थोड़ा वन प्लस को भी एक्टिव होना पड़ेगा ना, और थोड़ा सा भाई मार्केट में आना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे प्राइस रखने पड़ेंगे। तो कमेंट करके आप लोग अपनी राय जरूर से बता दीजिएगा, एंड मेरे हिसाब से वन प्लस को यहाँ पर ना इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, जैसे कि आप जैसे लॉन्चेस जो पहले डिले किए आपने कितने सारे स्मार्टफोन, उसको जल्दी लॉन्च करो, जैसे कि आप इस बार आपने जो उसको जून के अंदर लॉन्च करी, जो मुझे बहुत बढ़िया बात लगी यहाँ पर वन प्लस तरफ से। तो इतना ही कहूँगा कि अगर ये 25-26 हज़ार रुपये बजट में आता है तो बढ़िया रहेगा, बट उससे ऊपर जाएगा ना तो ये एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो कमेंट करके जरूर से अपनी राय जरूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।